मिस्टर इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग फिर मौजूद हैं गोलपोखर के देवीगंज जूनियर हाई स्कूल में, जहाँ पे इस वक्त भी इस स्कूल के रिकंस्ट्रक्शन अगर कहा जाए तो उसका इनोग्रेशन करने के लिए राज्य के मंत्री गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब पहुँचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, हम लोग मौजूद हैं देवीगंज जूनियर हाई स्कूल में। तो इस वक्त देख सकते हैं कई जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के कई सीनियर लीडर मौजूद हैं और खास करके प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें में आप इस वक्त देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस वक्त अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन भी दिए, स्कूल के बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की। तो कहीं ना कहीं स्कूलों के जो रिकंस्ट्रक्शन है, जो पुरानी बिल्डिंग है उसको जो एक तरह से कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन करना, मुरम्मत करना, अब वो MLA फंड से किया जा रहा है। इस वक्त जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि आम्बारी जूनियर हाई स्कूल में हाई स्कूल का जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो आप इस वक्त देख सकते हैं तो कई सीनियर लीडर इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद PWD कर्मधार गुलाम रसूल वो उपस्थित हैं, शफीउर रहमान सहकारी सभापति शब्बीर हसन और ग्राम पंचायत गोलपोखर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि मेंबर्स, स्कूल के SI गोलपोखर सर्कल के वो मौजूद हैं। तो तमाम लोगों की मौजूदगी में आज इस स्कूल का देवीगंज जूनियर हाई स्कूल का जो है कंस्ट्रक्शन का इनोग्रेशन किया गया है, जहाँ पे मिस्टर गुलाम रब्बानी साहब ने जो है बच्चों से बात की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वो भी कई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त सीधे तौर पर आप न्यूज़ टूडी इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्कूल भी अपना होगा, पंचायत भी अपना होगा, सब कुछ अपना होगा, राकेट तो अपना नहीं पाओगे सब कुछ। आज हमारा MLA का पैसा भी हम करवा रहे हैं, तो स्कूल बिल्डिंग में नहीं सब कुछ स्कूल के बाद क्यों नहीं भेजे तो बहुत टाइम लगे, तो पहले हम ऐसा करना है। ये स्कूल में जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये रोड जो है ये इम्पोर्टेंट रोड है, इस इम्पोर्टेंट रोड में ये जमीन जो काफ़ी स्कूल की कॉस्टली है, जिन्होंने पहले डोनेट किया था, उनका दरिया दिली है, बहुत ही बड़ा दिल का आदमी होगा तभी इतना बड़ी जमीन दान किया था, लेकिन ये बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था
और ज़मीन पे जो है लोग जो है आकर के बसना शुरू कर दिया था, इसलिए हमने और स्कूल का हालात जो लग रहा है कि अब टूट के गिर जाएगा, तो वो देखते हुए हमारे BOP फंड से हम बाउंड्री वॉल करके उसके बाद जो है आपका छत को रिपेयरिंग करके, वॉल वगैरह टूट रहा था सारा रिपेयरिंग करके, बिल्डिंग अगर जहाँ बच्चे लोग पढ़ेंगे वहाँ अगर एटमोसफेयर अच्छा ना हो, अगर टूटा फूटा रहे तो पढ़ाई का जो है माहौल नहीं हो पाएगा, इसलिए पढ़ाई का माहौल को बनाने के लिए ये पैसा दे करके इसको हमने करवाया। वीडियो का पैसा भी हम एजेंसी जो है ब्लॉक था ब्लॉक को दिए थे, ब्लॉक जो है कई स्कूल में किया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन हम मुबारकबाद देते हैं। हमारा ग्राम पंचायत भी काफ़ी कोऑपरेट किया है और ख़ासतौर से जो इंक्रोचमेंट था उसको उठा करके ये लोग बाउंड्री किया है, अब एटमोसफियर बन रहा है और आने वाला दिन में बच्चे यहाँ से हमारे पार्क के जो है अच्छी अच्छी जगह पहुँचेंगे। पहले से अभी स्कूल का एजेंसी ने काम किया, काम एकदम संतुष्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये बताया कि इसमें नहीं पैसा पहुँचा है, लेकिन अपने से तब भी कर दिया है, तब भी मैं बोल दिया कि बाबू एक बोरा सीमेंट लगेगा थोड़ा कर देना, ये हालांकि शेड्यूल के बाहर है उसका। ठीक है, इस वक्त हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे जो इस तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट ग्वालपोखर के और PWD कर्मोदक गुलाम रसूल साहब से। आपका ही एक तरह से ये PWD ये माफ कीजिएगा जिला परिषद का क्षेत्र है और इस यहाँ पे स्कूलों में इस तरह से रिकंस्ट्रक्शन कार्य कहा जाए, देखिए कैसा लग रहा है आपको? हम तो पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज स्कूल सब में आए हैं इसका जायजा लेने के लिए, और मंत्री साहब जो हमारे अपना फंड से रुपया देकर के स्कूल का जो मरम्मत करवाए हैं इसके लिए हम लोग मंत्री साहब का शुक्र कैसे शुक्रिया अदा करें खुद हम लोग नहीं बोल पाते हैं। हमारा दीदी का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का आज स्कूल का बुरा हाल था, इस स्कूल का यहीं का आदमी बोलता है कि स्कूल में कुछ नहीं था, आज देखिए स्कूल को देखिए बच्ची सब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि स्कूल में पढ़ रही है, खूब अच्छा लग रहा है स्कूल में। देखिए नहीं हम इसलिए हम लोग बोलते हैं कि देखिए इस तरह का मिनिस्टर मिलेगा नहीं, अपना MLA का रुपया देकर के स्कूल को स्कूल फंड का रुपया होता है, लेकिन तब भी इस स्कूल को जरूरी था थोड़ा मैंने काम करने के लिए, इसलिए मंत्री साहब अपना लेट से MLA से रुपया देकर के अंबरी ट्राइबल स्कूल का और ये देवीगंज जूनियर हाई स्कूल का काम करवाए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग चाहते हैं यहाँ का जो शिक्षक है यहाँ का जो टीचर है सब बच्चा को अच्छा तरह से तालीम दे, और इस यहाँ के जो लोकल गार्जियन है इन लोगों से भी मेरा गुजारिश है कि स्कूल का देखभाल करें, स्कूल में कोई गंदगी ना आए, स्कूल से कोई तो फैन चुरा के ना ले जाए और स्कूल का बेंच चुरा के ना ले जाए, यहाँ का लोकल जिम्मेदार जो है उन लोगों का दायित्व बनता है यहाँ पर, और टीचर तो आएंगे फिर टीचर शाम को चले जाएंगे, लेकिन लोकल जो गार्जियन है ग्राम पंचायत के मेंबर पंचायत समिति मेंबर हमारे यहाँ के नेता इन लोगों से मेरा गुजारिश है कि स्कूल का कम से कम देखभाल करें, खूब अच्छा लग रहा है। हमारा दीदी सिर्फ रास्ते में नहीं है, रास्ता का उन्नयन तो चल रहा है साथ साथ स्कूल को भी लेके आगे चल रहे हैं, एजुकेशन को भी लेके चल रहे हैं, और कुछ ही दिन में हम लोग फिर लोधन हॉस्पिटल में 57 लाख रुपया का हम लोग एक सेंटर उद्बोधन करने जाएंगे, हमारे मंत्री साहब जाकर इनोग्रेशन करेंगे। हम लोग एजुकेशन में भी जा रहे हैं उन्नयन के लिए तरक्की के लिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट भी हम लोग जाते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन साथ में रहे हम लोगों का, रास्ता जो उन्नयन होता है रास्ता का ITI कॉलेज का फायर स्टेशन का ग्वालपुर में इस तरह का कई काम किए मंत्री साहब, हम लोग चाहते हैं। पहले कहा जाता था कि एजुकेशन के मामले में ग्वालपुर पीछे हो रहा था, अब जो माहौल बन रहा है खासकर के प्राइमरी एजुकेशन में ऐसे माहौल अगर चलाया जाए क्या लगता है आपको? हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपुर के एजुकेशन में आगे ले जाया जाए, हेल्थ को आगे ले जाया जाए, ग्वालपुर में एजुकेशन पीछे था अब आगे बढ़ रहा है, ITI कॉलेज नहीं था ग्वालपुर में ITI कॉलेज बन गया है, इंग्लिश मीडियम मदरसा नहीं था इंग्लिश मीडियम मदरसा बन गया पंजीपुरा में, आपका मॉडर्न स्कूल नहीं था गुत्ती में मॉडर्न स्कूल बन गया है, ये सब जूनियर हाई स्कूल पढ़ा हुआ था इसका कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा था, मंत्री के रुपया देकर रिपेयरिंग करे ताकि बच्चा सब अच्छा से पढ़ सके, फैन उनका हम लोग बोल दिए यहाँ का हेड टीचर है उनको बोले कि फैन का व्यवस्था कीजिए बच्चों का जैसे गर्मी ना हो पढ़ने में आसान हो, इस तरह का हम लोग एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं उन्नयन में तरक्की में, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा दीदी का जो हम लोगों का प्रकल्प है दीदी का जो उन्नयन है इसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं ये हम लोगों का जरूरी है। ठीक, तो सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और खास करके राज्य के मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब की प्रतिक्रिया ले रहे थे कि दो स्कूल में आज जिस तरीके से उन्होंने अपने लेट से अपने फंड से MLA फंड से उन्होंने जिस तरीके से
कंस्ट्रक्शन स्कूलों में किया गया है, उस काम का इनोग्रेशन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खबर है ग्वाल पोखर के लिए और इस स्कूल के गार्जियनों के लिए कि जहाँ पे इस स्कूल जो एक तरह से बेहाल पड़े हुए थे कंस्ट्रक्शन के मामले में और उसमें एक तरह से सुधार आया है, तो अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। और साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे गुलाम रसूल, जो PWD के कर्माध्यक्ष हैं उत्तर दिनाजपुर जिला के और उन्हीं का ये क्षेत्र भी आता है, तो वो उनका भी यही कहना था कि अब आहिस्ते आहिस्ते ये इलाका एजुकेशन में आगे बढ़ने जा रहा है। इसी तरह की तमाम तरीके की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से आतोष मजुमदार के साथ मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ इंडिया।